हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ टॉपिक लेकर, इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि आपके D.El.Ed प्रोग्राम का कोर्स 501 का ब्लॉक 3 यूनिट नंबर 921 और 922 है। वस्तुतः स्वतंत्रता के 70 सालों बाद भी हम शिक्षा में उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं जितनी की उम्मीद की गई थी कि हम करेंगे। इनमें जिन जिन क्षेत्रों में हम प्रगति नहीं कर पाए हैं उन क्षेत्रों में खास करके जो क्षेत्र हैं वो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाए हैं। अर्थात प्रगति तो किया है हमने, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अभिगम्यता और उनके विद्यालय में अवधारणा से संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप सेंसस 2011 जनगणना 2011 की बात करें तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। साथ ही अगर जनगणना 2011 की बात करें जनजातियों के संदर्भ में तो संपूर्ण भारत में जनजातियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इस प्रकार अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलाकर के संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 1/4 भाग है। साथ ही ये भी देखें आप कि संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का लगभग 90% गाँव में निवास करता है। ये जो जनजातीय जनसंख्या है उसका मात्र 10% शहरों में निवास करता है, बाकी लगभग पूरी जनसंख्या जो है 90% वो गाँव में निवास करती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात करें अगर तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(24) में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति का तात्पर्य उन जातियों, रेस अथवा जनजातियों अथवा उन जातियों, रेस जनजातियों के एक भाग या इसके अंदर के उस समूह से है जो इस संविधान के उद्देश्य से अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां मानी गई हैं। और अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जाति वर्ग या उसके एक भाग को, उसके एक समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाई कर सकती है, जिसे संविधान द्वारा निर्धारित लाभ दिए जा सकते हैं, संविधान द्वारा निर्धारित लाभ जिन्हें प्राप्त हो सकते हैं। एक बार फिर से देखें, शेड्यूल कास्ट मीन्स सच कास्ट, रेसेज और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन सच कास्ट, रेसेज और ट्राइब्स एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 341 टू बी शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो धारा 366(24) में अनुसूचित जाति उसको माना गया है जिसे धारा 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने नोटिफाई किया हो कि ये जाति, ये विशेष वर्ग, जाति का ये उपभाग अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में माना जाएगा। इसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि एक जनजाति हो सकता है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति हो लेकिन दूसरे राज्य में ना हो, हो सकता है कि एक अनुसूचित जाति एक राज्य में अनुसूचित जाति हो और दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति ना हो। तो ये अनुसूचित जाति जो है वो राज्य के अनुसार वेरी करता है कि किस राज्य में उसको अनुसूचित जाति माना गया है, किस राज्य में उसको अनुसूचित जाति नहीं माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं कि भारत में लगभग 30 राज्यों में 705 जनजातीय समूह हैं। देखिए कितना वाइड पॉपुलेशन है इनका कि 30 राज्यों में कुल कितने 705 जनजातीय समूह हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग जनजाति हैं। और अनुसूचित जनजातियों की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में है। वो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान। लगभग अधिकांश अनुसूचित जनजाति जो है इन्हीं 5 राज्यों में निवास करते हैं। अगर हम इस संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है, शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है कानून, तब से शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बना दी गई है। और इसे तो कहना नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं, पुराने कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे DPEP प्रोग्राम काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी पुराना प्रोग्राम है,
आप हर रोज़ सुनते होंगे मिड डे मील योजना, आपके विद्यालय में भी मिड डे मील योजना लागू की गई होगी। तो मिड डे मील योजना भी लागू की गई है, मुफ्त शैक्षिक सामग्री वितरित किया जा रहा है, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त साइकिलें, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। लेकिन इतने सकारात्मक प्रभाव के बावजूद अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन अभिगम्यता एवं अवधारण, 100% एडमिशन, 100% एक्सेस और 100% रिटेंशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। आइए आज हम जानने का प्रयास करें कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों के संदर्भ में अभिगम्यता एवं अवधारण, एक्सेस और रिटेंशन से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं। सबसे पहली जो समस्या है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अभिगम्यता और अवधारण विद्यालयों में न होने की, खास करके प्राथमिक स्तर पर, वो है गरीबी। अनुसूचित जातियों में गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी अधिसंख्यक अनुसूचित जातियों के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वे या तो भूमिहीन हैं या उनके पास कोई ऐसी उत्पादक संपत्ति नहीं है और न ही कोई अस्थायी रोजगार है। अधिकांश लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, अधिकांश लोग डेली वेजर्स के रूप में काम करते हैं या खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अनुसूचित जाति में आने वाले परिवारों के पास आजीविका के रूप में कृषि अथवा मजदूरी का ही कार्य है, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। और ऐसे में कृषि जो है उसमें आवधिक बेरोजगारी जो है, पूरे साल का रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता है उनको, बल्कि वो रोजगार जो है कुछ समय के लिए, जब फसल बोनी हो, जब फसल काटनी हो, अदरवाइज फिर वो बेरोजगार रहते हैं, साल के कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें, जनगणना 2001 के अनुसार कृषि मजदूर के रूप में अनुसूचित जाति के लगभग 45.6% व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जबकि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व 26.5% ही है। आप एक बार गौर करें इन आंकड़ों पे, तो ये आंकड़े वस्तु स्थिति बताने के लिए काफ़ी हैं कि सामान्य वर्ग के मात्र 26.5% लोग, मतलब 1/4 लोग कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लगभग 45.6%, मतलब लगभग अनुसूचित जाति के आधे लोग कृषि मजदूर के काम में लगे हुए हैं ग्रामीण जनसंख्या के। ऐसे में गरीबी के कारण प्रायः क्या होता है, अनुसूचित जाति के लोगों में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि अगर पैसे नहीं हैं, अगर आदमी को भूखा मरने की नौबत है, तो ऐसे में वो पहले काम करेगा, पहले अपने अस्तित्व को बचाएगा, उसके बाद ही विद्यालय जाएगा। तो ऐसे में कई बार बच्चों को भी काम पर जाना पड़ता है या बच्चों को घर पर सहायता करनी पड़ती है। खास करके लड़कियों की स्थिति की बात करें हम, अगर माँ बाप काम पे जाते हैं तो लड़कियों को घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो पकड़ना, घर के अदर काम करने, या फिर कई बार स्कूल की फ़ीस देने के पैसे, स्कूल का यूनिफॉर्म लेने के पैसे, और अगर सारा कुछ ले भी लें तो घर पे चूल्हा जलने की समस्या। और ये समस्या इतनी बड़ी है जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के विद्यालय न जाने या विद्यालय में लगातार रह न पाने या फिर विद्यालय तक उनके पहुंचने, इन तीनों में ही बड़ी बाधाएं हैं। वो सबसे पहली गरीबी है। इसके अलावा और भी बाधाएं हैं, जैसे शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण की अनुपयुक्तता। वर्ल्ड बैंक ने एक अनुसंधान किया था जिसके अनुसार भारत के कम साक्षरता वाले जिलों में यह पाया गया कि उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी कम था। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुसंधान है, हालांकि इस पर और भी शोध आगे करने की ज़रूरत है, चूँकि ये एक बहुत ही छोटे सैंपल पे किया गया शोध था। लेकिन इसमें ये पाया गया कि जिन जिन जिलों में कम साक्षरता पाई गई, वहाँ वहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो विद्यालयों में अनुसूचित जाति के शिक्षकों का नहीं था। साथ ही शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण की अनुपयुक्तता को इसलिए इसका जिम्मेवार माना जा रहा है कि चूँकि ये बच्चे एक भिन्न स्थिति से आते हैं, एक भिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से आते हैं, अतः इन्हें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इस प्रकार के पाठ शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए, जो अब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा लागू किए गए नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अदरवाइज इससे पहले कभी भी ये इस पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से शिक्षकों में वो संवेदनशीलता आ ही नहीं पाती थी SC ST के बालकों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बालकों विद्यार्थियों के लिए। सामाजिक वियोजन एक कारक है जिसके चलते अनुसूचित जाति के बच्चे विद्यालय जा नहीं पाते या विद्यालय जाने के बाद छोड़ देते हैं,
और वहाँ पर रिटेन नहीं कर पाते, वहाँ पर ठहर नहीं पाते। कई बार खास करके शहरों में तो अब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तब से शहरों में स्थितियाँ बहुत बदली हैं, लेकिन कई पारंपरिक गांव भारत में आज भी ऐसे हैं जहाँ पे उनको स्पर्श करना, अनुसूचित जातियों को स्पर्श करना अच्छा नहीं माना जाता है और उनके साथ लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन्हें स्कूल में जाने के बाद अलग बिठाया जाता है, उन्हें उनकी छोटी सी गलती पर बड़ी सज़ा दी जाती है। हालाँकि ऐसे उदाहरण कम हैं लेकिन फिर भी हैं और वो देखे जाते हैं। ये सामाजिक वियोजन की जो जड़ें हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं, खास करके वहाँ से जहाँ से कि मनु का चार वर्णाश्रम व्यवस्था शुरू हुआ था। मनु ने चार वर्ण में सोसाइटी को बांटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि लोगों के द्वारा आजीविका के लिए किए जा रहे व्यवसाय पर आधारित था। लेकिन कालांतर में ये चीज़ें बदलती गईं और जाति प्रथा का हमारे देश में जन्म हुआ। संविधान ने अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया है, परंतु कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जो उनके एक्सेस और रिटेंशन को विद्यालय में प्रभावित करती हैं। एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि जहाँ जहाँ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर विद्यालयों की संख्या कम है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विद्यालय न होने के कारण इनके पास शिक्षा प्राप्त करने की, खास करके अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी, उसका अवसर इनके पास उपलब्ध नहीं है। NCERT के ऑल इंडिया छठे शैक्षिक सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 91% एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 64% अनुसूचित जाति के बालक सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो प्रयास पर्याप्त नहीं है और हमें अपने प्रयासों में तेज़ी लानी होगी, तभी हम सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लोकुर समिति 1965 में बनाई गई थी, जिसके अनुसार किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए उसमें निम्नांकित आवश्यक गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें? एक तो कि प्रिमिटिव गुणों के संकेत मिलने चाहिए, आदि गुणों के संकेत मिलने चाहिए। दूसरा, उसकी संस्कृति जो है वो भिन्न होनी चाहिए। तीसरा, आसपास के अन्य बड़े समुदायों से घुलने मिलने में उनमें झिझक पाया जाना चाहिए। चौथा, भौगोलिक रूप से उनको अलग होना चाहिए। और पाँचवा, वो मानव विकास के सूचकों पे पीछे होने चाहिए, उन्हें पिछड़ापन दिखना चाहिए, तभी किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है। अब जरा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखें, कुछ तथ्य देखें। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के पिछड़ेपन का कारण आपने देखा, उनमें से अधिकांश कारण अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पिछड़ेपन के भी हैं, जैसे गरीबी, सामाजिक विलगाव। लेकिन एक बड़ा कारण है जो कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष रूप से लागू होता है, वो है भाषा संबंधी समस्या। कई आदिवासी समुदायों की अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग बोली है। ऐसे में सामान्य विद्यालय में जब भी वो जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे शिक्षण उनकी मातृभाषा में नहीं हो पाता। अब जब उनकी मातृभाषा में वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता तो ये चीज़ें उनको विद्यालय से दूर कर देती हैं और वो विद्यालय में पहुँच नहीं पाते या पहुँचने के बाद भी रुक नहीं पाते, छोड़ करके चले आते हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण की अनुपयुक्तता और सामाजिक वियोजन, जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा किया अनुसूचित जाति के केस में, कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को इन बालकों का कल्चर, इन बालकों का जियोग्राफिकल लोकेशन, ये सारा देखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण के करिकुलम में, शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में, अध्यापक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे टीचर जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों के समस्याओं के प्रति जागरूक हो सकें, उनके प्रति संवेदनशील हो सकें। एक और जो बड़ा कारक है जो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में है, वो है विद्यालय की अनुपलब्धता एवं सुगम्यता का अभाव। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों में एक बड़ा कारण ये है कि उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विद्यालयों का अभाव भी है, जिसके कई कारण हैं, जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं कि वहाँ पर विद्यालय खोले जा सकें। कहीं सुदूर गांव में है, कहीं सुदूर पहाड़ी पे है, या बहुत ही विरल और फैली हुई जनसंख्या है, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहाँ, कुछ लोग वहाँ, तो ऐसे में विद्यालय एक जगह खोलना संभव नहीं, और एक जगह खोलेंगे तो बाकी लोगों के लिए उसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी। या फिर कई बार जो आदिवासी बहुल गाँव है वो सामान्य जनसंख्या से बहुत दूर होता है। कई बार जंगलों में आप झारखंड के गाँव में जा करके देखेंगे तो वहाँ पर आदिवासी इतनी दूर रहना पसंद करते हैं, वो सामान्य जनसंख्या से घुलना मिलना खुद पसंद नहीं करते, वो झिझक महसूस करते हैं, इसलिए सोसाइटी से बहुत दूर रहते हैं।
ऐसे में इसका एग्जांपल लेकर राजस्थान का सहरिया जनजाति भी है कि वो सामान्य जनसंख्या से बहुत दूर एक अपने स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में उसकी जनसंख्या पूरी की पूरी है। तो ऐसे में चूँकि ये सामान्य जनसंख्या से बहुत दूर गांव में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के साधन भी कई बार उपलब्ध नहीं है, कई बार वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज भी उपलब्ध नहीं है। ये सारे कारक हैं कि वो विद्यालय जाना, विद्यालय में रिटेन करना, विद्यालय में पढ़ना, विद्यालय में लगातार मौजूद रहना, ये उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। एक और जो बड़ा कारक है जो जनजातियों की शिक्षा को प्रभावित करता है, स्कूल में उनके रिटेंशन और उनके एक्सेस को प्रभावित करता है, वो है जनजातियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति। कई जनजातीय कबीले ऐसे हैं जो एक जगह टिक करके नहीं रहते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे वो स्थानांतरित होते रहते हैं, एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते। महीना भर यहाँ रह लिए, कुछ महीने वहाँ रह लिए, कुछ महीने वहाँ रह लिए। ऐसे केस में अनुसूचित जनजातियों के इन विशेष जनजातियों के विद्यार्थियों को भी विद्यालय सुगम नहीं है और न ही इनका अवधारण है विद्यालय में। अनुसूचित जनजातियों की अभिगम्यता एवं अवधारणा बढ़ाने हेतु क्या कर सकते हैं आप? सामाजिक जागरूकता फैला सकते हैं, उनके बारे में सोसाइटी को बता सकते हैं, विद्यालयों में शिक्षकों विद्यार्थियों में स्टाफ के लिए व्यवहार के मानदंड तय कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि वो विद्यालय में आएँ तो वो आना चाहें। वर्तमान प्रावधान जो भी हैं उपलब्ध, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जैसे अगर ये RT में प्रावधान है कि किसी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं मिलेगा, तो इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि कोई टीचर इस प्रकार बच्चे को न डरा सके, जिसके चलते बच्चे कई बार स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं, कई बार स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं। और एक सोलूशन, एक समाधान तो सबसे बड़ा समाधान है ही कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नए विद्यालय खोले जाएँ, जितनी आवश्यकता हो उतने नए विद्यालय खोले जाएँ। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण में इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए। जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें अगर स्कूल में मिलें तो उन पर बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। एक और जो चीज़ है जो बढ़ा सकती है विद्यालय में इनका रिटेंशन और एक्सेस, वो है विद्यालयों में सहभागी शिक्षण एवं सहभागी शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन। ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ और पढ़ाने के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए जो पार्टिसिपेटरी हों, जिसमें कई लोग मिल करके एक साथ काम करें, तब समाज में इनका एकीकरण भी होगा और साथ साथ ये विद्यालय जाएंगे, साथ ही ये पीयर सेंसिटाइजेशन का भी इनके सहपाठियों को भी उनके प्रति संवेदनशील बनाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आप विद्यालयों में सहभागी शिक्षण की विधियाँ यूज करें, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, या सहशैक्षणिक गतिविधियों में ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करें जिनमें सबका पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनको संवेदनशील बनाने के लिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या समस्याएं हैं, जब तक वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं बनेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। तो उनको संवेदनशील बनाने के लिए लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। इन वर्गों के शिक्षा से संबंधित मुद्दों को शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है। आज जो हमने सीखा वो ये देखा आज कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यालय में अभिगम्यता एवं अवधारण में क्या क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं में शामिल है उनकी गरीबी, उनके जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर विद्यालय का न होना, या उनके साथ कई बार विभेदनकारी व्यवहार किया जाना। जनजाति के केस में दो चीज़ें अलग से हमने देखी कि एक तो भाषा की समस्या उनको आती है, दूसरी जो समस्या आती है उनको कि कई बार उनकी कम्युनिटी मूव करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती है, ऐसे में उनके लिए विद्यालय सुगम्य नहीं हो सकता, न विद्यालय में उनका उदाहरण हो सकता है। इनके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उनमें प्रमुख प्रयास जो हमने देखे वो ये हैं कि सबसे पहले तो उनकी फैमिली को रोज़गार का प्रयास किया जाना चाहिए, दूसरा बच्चों को विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यालय में एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे बच्चे विद्यालय आ सकें और वो विद्यालय आना जो है उनके लिए एक बोझ ना हो बल्कि विद्यालय आना उनके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटी हो। साथ ही हमने जाना कि हम सहभागी शिक्षण विधियों का, जैसे प्रोजेक्ट मेथड या इस प्रकार के और मेथड हैं, एक्सकर्सन, मतलब हम ऐसी शिक्षण विधियाँ यूज करें जिसमें एक टीम में रह करके आदमी को काम करना हो और एक डाइवर्स टीम बनाएं जिसमें कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही विद्यालय में सामूहिक सहशैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। आज हमने ये देखा जिसके द्वारा
विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की अभिगम्यता एवं अवधारणा को बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।